तो पिछले वीडियो में हमने क्या बोलते हैं लामिस थ्योरम की परिभाषा को बताया था, ठीक है। और हमने आपसे कहा था कि मतलब क्या बोलते हैं अगली जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम लामिस थ्योरम के को प्रूव करेंगे, ठीक। तो एक बार आइए हम बात कर लेते हैं उसमें मैंने क्या कहा था लामिस थ्योरम के बारे में। लामिस थ्योरम क्या होती है बाबू, यदि किसी कण पर या किसी बॉडी पे, ठीक है, अगर तीन बल लगे हुए हों और तीनों बल साम्यावस्था में हों, क्या हो, साम्यावस्था में मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच की कोण की क्या होता है, जया के समानुपाती होता है। साम्यावस्था का मतलब होता है क्या, साम्यावस्था का मतलब जो कोई वस्तु पूर्ण रूप से साम्यावस्था में तब मानी जाती है जब हॉरिजेंटल में लगे हुए जो फोर्सेस होते हैं यानी सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो यानी वर्टिकल में जितने फोर्स लगे हुए हैं, और सिग्मा एम इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ साम्यावस्था का ये तात्पर्य है, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे दिखाया ये गया है कोई एक बॉडी है जिसपे तीन बल लगे हैं, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। अब ये बल लगे हुए हैं और ये बॉडी क्या है आपका साम्यावस्था में, जैसे मान लो मेरी बॉडी है, ठीक है। ये लड़का कोई मेरा ये हाथ पकड़ के खींचे और एक लड़का ये हाथ पकड़ खींचे, और पीछे से एक क्या हो मतलब एक आदमी हो जिस मतलब क्या पकड़ के पीछे विपरीत डायरेक्शन में खींचे और मेरी बॉडी ऐसे ही रहे, तो इसका मतलब क्या, मेरी बॉडी साम्यावस्था में है, मेरी बॉडी क्या है साम्यावस्था में है, ठीक है। अब एंगल हम देख रहे हैं, आप पी और क्यू के बीच की गामा है, क्यू और आर के बीच में अल्फा है, पी और आर के बीच में बीटा लिया है, ठीक। ऐसे एंगल अगर आप दूसरा लोगे, अगर यहाँ पे अल्फा मान लो, यहाँ पे आप गामा मान लो, यहाँ बीटा मान लो, तो ये आपका कुछ और आएगा पी अपान क्यू के रूप में या क्यू अपान आर के रूप में कुछ और आएगा, ठीक। तो हम इसी को लेके चलते हैं एंगल को मान के, ठीक। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी पे यहाँ पे देखो पी बल लगा था, यहाँ पे क्यू बल लगा था, ये आपका आर बल लगा था, ठीक है। अब क्या किया गया है इसमें कि इस ये जो है आपका ये इस बल के पैरेलल, ये जो क्यू बल है इसके पैरेलल यहाँ से ए बिंदु से हमने क्या किया एक लाइन खींचा, ठीक है। उसके बाद क्या किया एक बी पॉइंट यहाँ पे लिया, बी बिंदु से ये पी बल के पैरेलल एक लाइन खींचा जो उसको सी पे काटती है, क्या करती है सी पे काटती है। अब हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे, और जो ये बल आर है इस बल आर को हमने क्या किया विपरीत डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया, ये जो है आपका ए सी बी ओ जो है ये एक समांतर चतुर्भुज बनेगा जिसका विकर्णयास बनेगा क्या ओ सी, क्या बनेगा ओ सी बनेगा, ठीक है। और आर डैश क्या है वो इक्वा वेरियंट फोर्स है, क्या है इक्वा वेरियंट फोर्स है। इक्वा वेरियंट फोर्स का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये बॉडी है इस पर हम इधर की तरफ एक फोर्स कोई लगा हुआ हो, इधर की तरफ कोई फोर्स लगा हुआ हो, तो इनका जैसे मान लो ये देखो सुनो इक्वा वेरियंट सुनो, जैसे मान लो ये इस पर ये हाथ कोई लड़का पकड़ खींच रहा है और ये हाथ कोई लड़का पकड़ खींच रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इसका रिजल्टेंट मान लो आर हो, ठीक है। तो ये लड़का पीछे से मेरा कॉलर पर खींचे जिसका जिस बल का मान क्या हो जो पी और क्यू के द्वारा जो परिणामी आर आ रहा है उस बल के अगर बराबर है, तो जो अब पीछे की तरफ बल लगा के खींच रहा है उस बल को हम क्या कहेंगे इक्वा वेरियंट फोर्स कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्त इक्वा वेरियंट फोर्स कहेंगे, ठीक है। अब आइए इसका प्रूफ हम सीखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से, यहाँ आप देख क्या रहे हो ये एंगल बीटा है, ये एंगल क्या है आपका गामा है, ये एंगल क्या है आपका है अल्फा है, ठीक है। तो हमने किया क्या देखो ध्यान से, अब देखो इसके बाद क्या किया गया, ये लाइन देखो क्या पैरेलल है इस लाइन के, इस लाइन के पैरेलल है ना, ये लाइन जो है ये क्यू बल है जो आधी लाइन है और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये दोनों समांतर लाइन हो गई है, ठीक है। और ये आपकी जो ओ ए है तिर्यक लाइन हो गई, ठीक। और हम देख रहे हैं ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल गामा है, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या बनेगा गामा बनेगा, इस वजह से ये वाला एंगल क्या हो गया है गामा हो गया है, ठीक हो, ठीक। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब क्या है अब देख क्या आप जानते क्या हो, अगर कोई लाइन ऐसे खींच दी जाए, अगर कोई लाइन खींच दी जाए और इस पर कोई पॉइंट हम ले लें, अगर मान लो ये पॉइंट लें तो इस ये वाला जो एंगल बनेगा आपका पाई बनेगा, क्या बनेगा पाई बनेगा, ठीक है। अच्छा अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें ये लाइन थी यहाँ पे ए, ठीक, और हमने ये ऐसे एक मतलब क्या करते एक मतलब ऐसे एक लाइन और खींच दी रेखा इस पॉइंट से और होकर जा चली जाए, ठीक है। ये वाला एंगल कोई कह दे बाबू यक्स है, तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा पाई माइनस यक्स बनेगा, क्या बनेगा दोस्त
पाई माइनस एक्स बनेगा। तो आप बताइए इसके अनुसार, या अगर ये गामा है तो यहाँ पे 180 का एंगल बन रहा होगा, यहाँ से ये हो जाएगा पाई माइनस गामा। पाई का मतलब होता है बाबू 180 डिग्री, ठीक है, ये आप जानते हो। अच्छा, ये बात तो कंफर्म हुई, पाई माइनस गामा कैसे आया। फिर देखो यहाँ पे, अगर देखो ध्यान से, इस बिंदु पे, ओ बिंदु पे ये वाला एंगल आपका क्या है, बीटा है। ये वाला एंगल क्या है, बीटा है। तो आप बताओ यहाँ से, ये आपका ये जो पॉइंट ओ है और ये आपका एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल क्या बनेगा, तो आपका पूरा 180 बनता था, तो ये वाला बनेगा क्या, पाई माइनस बीटा बनेगा। क्या बनेगा, पाई माइनस बीटा बनेगा। अच्छा, अब इसके बाद आइए दिखाते हैं आपको। इसके बाद क्या देख रहे हो बाबू, इसके बाद देख लो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल है और ये क्या हो आपका, ऐसे कोई लाइन खींची जाए तो ये वाला जो एंगल बनेगा इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये ऐसी कंडीशन आप यहाँ पे देख रहे हो। देखो ये लाइन आपका यहाँ से ऐसे, ये लाइन आपका यहाँ से ऐसे पैरेलल है, और ये विकर्ण वाली जो लाइन ये आपकी जा रही है, जो विकर्ण है लाइनें जा रही है, ये क्या आपका, इसको तिर्यक लाइन बन रही है। क्या बन रही है बाबू, त्रिक लाइन बन रही है। तो आप देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, अल्फा बन रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, अल्फा होगा। तो इसी चीज़ को देखो मैंने यहाँ पे नोट किया है, ठीक, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये दिक्कत होता है लड़कों को कैसे आया। फिर उसके बाद फिर आप देख रहे हो इस पॉइंट पे ये पूरा 180 होगा, और हम देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा पाई माइनस अल्फा बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त, पाई माइनस अल्फा बनेगा। अब हमने क्या किया, अब हम देख रहे हैं ओ ए सी एक त्रिभुज बन रहा है, जिसको हमने यहाँ पे बनाया निकाल लिया, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी में साइन के रूल से। अब बात आएगी सर, ये साइन का रूल क्या होता है, ठीक, साइन का रूल क्या होता है। साइन का रूल बाबू आप क्या करते हो, मैथ में पढ़ते हो, एक चैप्टर होता है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, जैसे हमने यहाँ पे समझाया भी है। अगर मान लो ये कोई त्रिभुज ए बी सी हो और इस कोण ए के सामने की भुजा ए हो, कोण बी के सामने भुजा बी हो, कोण सी के सामने भुजा सी हो, ठीक है, डायमेंशन जो दिया है सी हो, तो ए अपान साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी होता है, ठीक है, सी अपान साइन सी होता है। अब क्या है, इसी को लगा देना है। तो आप देख रहे हो ये पी वन है, और इसके सामने का जो एंगल क्या है, पाई माइनस अल्फा है। यहाँ भी देखो सामने का ही एंगल तो लिया गया था, तो पी बट्टे क्या दिया गया, साइन पाई माइनस अल्फा हो गया, क्योंकि यहाँ पाई माइनस अल्फा था। ऐसे क्यू अपन साइन पाई माइनस बीटा हो जाएगा, देखो क्यू वाला आपका यहाँ पे, और इसके सामने क्या है, पाई माइनस बीटा है। ऐसे आर अपन साइन पाई माइनस गामा, क्यों क्या, क्योंकि आर देखो ये है या आर डैश है, पाई माइनस गामा ये एंगल था, ठीक है। अब देख लिया हमने क्या, साइन पाई माइनस अल्फा आया, साइन पाई माइनस बीटा आया। तो हम मैथ में ही पढ़ते हैं कि साइन जो आपका पाई प्लस पाई यानी 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पे चेंजिंग नहीं होती है। चेंजिंग ना होने का मतलब ये है कि आपका साइन का साइन रहता है, कास का कास रहता है, सेक का सेक रहता है, ये वाली बातें हैं, ठीक है, ये बात आप जानते हो। तो इसका मतलब साइन है सब साइन के रूप में आएंगे, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं लिखा था, इसको साइन कहते हैं। साइन है तो साइन के रूप में ही आएगा, लेकिन साइन का मतलब क्या है, साइन का मतलब ये है आपका कि ए एस टी सी के रूल से चिन्ह जरूर बदलेंगे, लेकिन हम देख जानते हैं एस टी सी के रूल में, एस टी सी के रूल भी हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है बाबू, ए ए होता है, एस होता है, टी होता है, सी होता है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, एस एस के मतलब साइन, साइन का व्युत्क्रम जो होता है कोशिक होता, पॉजिटिव होता है। तो जितने भी देखो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा आ रहा है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसकी वजह से सब पॉजिटिव आएंगे। इसलिए पी अपन साइन अल्फा बराबर पी अपन साइन बीटा इक्वल टू आर अपन साइन गामा। तो ये हमारा क्या होगा, साइन क्या बोलते हैं, लामिश थ्योरम हमारी क्या हो जाती है, यहाँ से सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो अगला जो हम मतलब वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, आपको लामिश थ्योरम के एप्लीकेशन को सिखाएंगे, लामिश थ्योरम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको हम सिखाएंगे आपको। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो देखा, ये वीडियो देखा, तो आपको लामिश थ्योरम एकदम समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो हम आपसे आपसे क्या बोलते हैं कि ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने कामों में। अगला वीडियो हम आपको बना के फिर देंगे, उसमें आपका सवाल होगा, ठीक है। थैंक यू।